थिस्लुनिकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पहला अध्याय। पौलुस और सिल्वानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्लुनिकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें।